दिल्ली की चुनावी रेस में आज कौन बाजी मारेगा, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना का दिन है और हर पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है। सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन आपको बता दें कि एग्जिट पोल में आपकी सरकार बनने का दावा किया गया था। हालांकि बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे थे कि सारे एग्जिट पोल गलत हो जाएंगे और बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और आप भारी बहुमत से सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने लगातार ये दावा किया था कि हम दिल्ली में बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों में तस्वीर साफ हो गई है कि बीजेपी इस बार भी पिछड़ रही है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी पटपड़गंज की सीट से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट पर यहां जीत मिली थी और इस बार भी उनकी जीत पक्की नजर आ रही है। ओखला से अमानतुल्ला खान आगे चल रहे हैं। चांदनी चौक से अलका लांबा पीछे चल रही है। वहीं शुरुआती रुझानों में पिछड़ने के बाद भी भाजपा लगातार जीत के दावे कर रही है। बीजेपी सांसद रमेश भिधूड़ी का कहना है कि आप देखिएगा, इस बार भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ये तो अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन नतीजों की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। इस वक्त के रुझानों की बात करें तो रुझानों में 2/3 बहुमत के पार पहुँच चुकी है आप पार्टी और बीजेपी ने 15 का आंकड़ा छू लिया है। लेकिन दिल्ली के चुनावी रण में कौन बाजी मारेगा, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।